बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोमेटो केचप बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1 किलो टोमेटो, इसको इस तरह टुकड़ों में काट लेंगे, 100 ग्राम चीनी, 1/2 कप विनेगर, 1/2 ग्लास पानी, 3/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 2 दालचीनी, 4 लौंग। अब हम टोमेटो डालेंगे इसमें। दालचीनी और लौंग डाल देंगे और 1/2 ग्लास पानी। अब इसको मीडियम फ्लेम पे टोमेटो पकने तक रख देंगे। अब इसको कवर करके रख देंगे। टमाटर गल चुके हैं तकरीबन, अब इसको 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। इसकी मीडियम फ्लेम ही रखनी है हमें। अब टोमेटो अच्छी तरह गल चुके हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। अब हम टोमेटो को छान लेंगे। इस तरह छान लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वापस से छानेंगे ताकि टमाटर का रस अच्छी तरह निकल जाए पूरा। अभी अच्छी तरह छान लिया है हमने, ये केचप इस तरह निकला हुआ है। अब हम टोमेटो केचप तैयार करेंगे। अब हम इसमें विनेगर डालेंगे, चीनी डाल देंगे, लाल मिर्च और नमक। अब इसको मीडियम फ्लेम पे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। टोमेटो केचप तैयार हो चुका है, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। मैंने इसमें 3/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला था, स्पाइसी रखा है। अगर आप कम स्पाइसी यूज़ करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर कम यूज़ कर सकते हैं। डिलीशियस स्पाइसी टोमेटो केचप तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में बताएं और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इन लिंक्स पे क्लिक करें।